आज से कई साल पहले रेगिस्तान की तपती धूप में एक शख्स सफर पे निकले। उस समय सवारी के लिए सिर्फ घोड़ा और ऊंट का इस्तेमाल कर सकते थे, तो ये अपने सफर के लिए घोड़े में निकल चुके। आगे बढ़ते गए, आधा रास्ता खत्म होने के बाद याद आया कि एक काम बाकी है, तो रास्ते में रुके। रेगिस्तान था, अब घोड़े को कहीं बांध नहीं सकते थे, तो इंतजार किए बहुत देर ताकि कोई एक शख्स आ जाए जिनको ये छोटा सा काम सौंप के ये अपना काम निपटा ले। बहुत देर इंतजार करने के बाद एक शख्स वाहन से गुजर रहे थे, उनसे बात की और कहा कि आप मेरे घोड़े का थोड़ी देर के लिए ख्याल रखिए, मैं जो अपना काम है पूरा करके आता हूं। उन्होंने कहा कि हाँ देख लेंगे, शक्ल से इंसान अच्छे लग रहे थे तो इन्होंने भरोसा किया और अपने काम में निकल गए। थोड़ी देर बाद वो वापस आ रहे थे, दूर से देखा तो घोड़ा तो नजर आ रहा था, लेकिन जो शख्स घोड़े की रखवाली करने की बात कर रहे थे वो गायब थे। करीब गए तो पता चला कि घोड़े के ऊपर बैठने वाला जो सैडल होता है वो भी नहीं है। अब परेशान हो गए, सफर तो लंबा है, बहुत आगे जाना है, अब सफर आगे बढ़ना है तो सैडल के बिना आगे जा नहीं सकते। तो सोचा कि पास वाले गांव में जाके सैडल खरीद लेते हैं। दुकान में गए और देखे कि सैडल नजर आ रहा है। दुकानदार से पूछा कि ये सैडल कितने में मिलेगा, उन्होंने कहा 10 दिरहम। ये बड़े खुश हुए और खरीद लिए। खरीदने के बाद जब देखा तो लगा अरे ये तो मेरा ही सैडल है। दुकानदार से पूछे कि आपके पास ये सैडल कैसे आया, दुकानदार ने कहा थोड़ी देर पहले एक शख्स आके मुझे 5 दिरहम में बेच के गया था। तो थोड़ी देर सोचकर मुस्कुराने लगे और दुकानदार इनको देखता ही रहा। दुकानदार ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे, तो ये कहने लगे जो शख्स आपके पास ये सैडल ला के बेचा है वो मेरे घोड़े की रखवाली कर रहे थे थोड़ी देर के लिए। मैंने सोच लिया था इस आदमी को इसकी ईमानदारी के लिए मैं 5 दिरहम दूंगा, लेकिन इसने रास्ता क्या चुना, चोरी की और बेचा। बेईमानी से 5 दिरहम उसने कमा लिए। 5 दिरहम उसको यहां भी मिलने थे, यहां भी मिलने थे। उसकी किस्मत में 5 दिरहम तो लिख दिए थे, लेकिन जरिया उसने गलत चुना। तो इसी तरह से हमारी भी जिंदगी में अपनी किस्मत में लिख दिया रहता है कि हमें कितना मिलना है। फैसला हमें करना है, या तो हम ईमानदारी से कमाएं या तो फिर बेईमानी से।